नारायणपुर जिले के ग्राम टिमनार में ग्राम देवी माता हीरादाई के नवीन मंदिर भवन निर्माण पश्चात उद्घाटन के उपलक्ष में विशाल देवीय जत्रा का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के ग्रामों के अलावा पड़ोसी जिले कोंडागांव, दंतेवाड़ा और जगदलपुर जिले से देवी देवताओं के प्रतीक आंगा डोली डांग लेकर पुजारी और ग्रामीण पहुंचे। कई ग्रामों के देवी देवताओं के आने से मंदिर प्रांगण में देवीय संगम और मेले जैसा माहौल रहा, जहां ढोल नगाड़ों की थाप पर ग्रामीण नाचते थिरकते नजर आए। महिलाओं ने अबूझ माड़ के प्रसिद्ध नृत्य संगीत रीलो की धूम पर जम के नाचते गाते हुए जत्रा के उपलक्ष के तौर पर मनाया। देवी देवताओं द्वारा नगाड़ी की धुन पर देव खेलने का आयोजन भी मंत्रमुग्ध करने वाला रहा। बता दें, जत्रा में बस्तर संभाग के प्रसिद्ध आंगा पहाड़ देव का भी आगमन हुआ, जिसके पीछे ग्रामीणों का तर्क है कि बस्तर संभाग के शक्तिशाली और सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले पाट देव आंगा का जन्म स्थान ग्राम टिमनार ही है, जिस वजह से यहां के आयोजन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। सर, मेरा नाम महेश वड्डे है, मैं टिमनार में रहने वाला निवासी हूँ। मेरे को पाट देव ने मेरे को छोटे समय से पाट देव ने पकड़ा है गायक के रूप में, उसी के रूप में पकड़ा है। तो जितना भी देवी देवताओं का नियम है उसका हम पालन करते हैं, उसका रीति रिवाज को पूरा हम चलाते हैं। और फिर एक बात है, ये पहली बार ये इतना बहुत बड़ा जत्रा का सम्मेलन हुआ है। आज क्या उपलक्ष में यह जत्रा किया जाता है? ये मतलब कि नया मंदिर के उपलक्ष में यहाँ जत्रा किया जा रहा है। कितने गांव के देवी देवता आए हैं? यहाँ 25-30 गांव से देवी देवताओं को बुलाए हैं। हमारा परगना करंगल परगना के जितने भी देवी देवता हैं वो सब भी आए हैं और दूसरे परगना से भी आए हैं। हाँ, मेरा नाम मोतीराम वड्डे है। आज जो यहाँ यात्रा कार्यक्रम का यहाँ ग्राम टिमनार में रखा गया है, इसमें हमारे सभी इस क्षेत्र के सभी देवी देवताओं और यहाँ के प्रमुख जो यहाँ के प्रमुख देवता पाट देवता और यहाँ के नरसिंहनाथ, यहाँ के इस क्षेत्र के सभी गुहा देव, यहाँ के पीला कुआ, यहाँ की माता रानी हीरादाई दुलारदाई सोनादाई, सभी यहाँ के गुरुओं को जो बुलाया गया है, इसी यहाँ आज मंदिर का सभी सगा देवी देवताओं के माध्यम से उद्घाटन किया गया और इस क्षेत्र को हमारे राजा सिंह से इस गांव को जाना जाता है कि इस क्षेत्र में जो हमारे पाट देवता के माध्यम से इस देवगुड़ी और यहाँ की माता रानी लोगों का एक साथ निर्माण हुआ है। तो इस यात्रा को आए हुए सभी गायता पटेल पुजारी लोगों को मैं सभी गांव की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ये बताएंगे यात्रा कितने साल में होता है? यहाँ तो यात्रा हर साल प्रत्येक साल होते रहता है, फिर भी यहाँ जो कार्यक्रम जो यह मंदिर उद्घाटन के उपलक्ष में हमारे सगा देवी देवताओं को बुलाकर यह यात्रा का सबसे बड़ा प्रमुख यात्रा मनाया गया और इस यात्रा में जो यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं देवी देवताओं को, हमारे गांव और हमारे इस बस्ती को खुशहाल बनाने के लिए आए हैं, तो उनको हमारे ओर से धन्यवाद का पात्र रखते हैं। ग्राम टिमनार का रहने वाला हूँ मैं। अपना माटी गायता का परिवार से हूँ मैं यहाँ पर। तो हमारे यहाँ हीरादाई आपका दुलारदाई का मंदिर बनाया गया है, तो उसको सालों से मतलब हम लोग एक साल से मेहनत करते यहाँ पर बने हैं और यहाँ पर उसका साथ में जितने भी देव देवता है उसके अंतर्गत आने वाले सगा समाधि देवता है परगाना से भी है, उनको यहाँ बुलाया गया है और उसका सम्मान पूर्वक यहाँ सेवा पूजा अर्चना किया जा रहा है और मंदिर का उद्घाटन किया गया है। हमारे बाद में यहाँ पूर्वजों से यहाँ था, उसके बाद क्या राजाओं का युद्ध हुआ तो राजा लोग वहाँ ले गए उसको नदी में, मतलब पहले जमाने में राजाओं के द्वारा नदी में ठंडा करने ले गए तो वहाँ पर इंद्रावती नदी के ऊपर आ गया, तो उसको वहाँ अपने राजवाड़ों में जगदलपुर में उसका विराजमान किया गया और वहाँ पूजा पर दिया जा रहा है और उसका नाम रोशन अधिकतर आदर जाते मतलब जो आदि उसका नाम रोशन हुआ है। पघानजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।